हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ लंच बनाया, क्योंकि आज उसका पेपर था और फ्राइडे का दिन था, तो यहाँ वो पेपर देने के लिए जा रहा था। तो यहाँ मैं उसे गुड बाय करने के लिए आई, गुड बाय मैंने उसे किया। उसके बाद घर का काम वगैरह करी थी, बर्तन धोए, सफाई की। और करते करते मैं एक बात सोच रही थी कि आप लोगों ने ये वाक्या तो सुना होगा, जो ये एक मामा ने अमेरिका के अंदर जो है वो अपनी बेबी गर्ल, जो उसकी 16 मंथ्स की उसकी बेबी थी, उसको घर पे बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े से घूमती रही, और घूमने के बाद जब वो 1 वीक के बाद आई है घर पर, तो बच्ची अकेली थी। एक तो खौफ, एक ऊपर से भूख प्यास, एक जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे रोते इतना है, ज़रा सा परेशान हो जाएं तो इतना ज़्यादा रोने लगते हैं। तो रोने की वजह से बच्ची की जो है वो डेथ हो चुकी थी। जब कोर्ट ने ये सब पूछा तो उसने कहा, कोर्ट ने ये बात पूछी कि भाई आपको अपनी बच्ची की ज़रा भी फिक्र नहीं हुई? एक बार भी जब आप ट्रिप पर गई हैं, आप घूमी हैं फिरी हैं, तो आपको अपनी बच्ची के लिए एक बार भी जो है वो मतलब आपको फील नहीं हुआ कि आपकी बेबी किस हाल में होगी? तो उसने कहा, हाँ मुझे फील तो बहुत होता था। पहले मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी से कांटेक्ट करूँ और उनसे कहूँ कि आप जाके मेरी बेबी को देखें, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं मेरी अम्मी क्या सोचेंगी, इसलिए मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। तो 1 वीक के बाद जब ये वापस घर आई है, तो बच्ची जो है वो बिल्कुल मुर्दा हालत में इन लोगों को मिली है, और इसकी वजह से जो है वो कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सज़ा दे दी, और अब ये ताउम्र जो है वो सलाखों के पीछे इसकी माँ रहेगी। तो एक बात मुझे समझ आती है यार, आप अपना बच्चा इतना ईजीली, इतना रिलैक्स होकर, इतने बुरे हालात में किस तरह छोड़ के जा सकते हैं कि आप बेबी बिल्कुल तन्हा है और आप उसे छोड़ के माएँ? तो एक पल के लिए अपना बच्चा इतनी बुरी हालत में नहीं छोड़ती हैं, मतलब ये पता नहीं किस तरह की माँ थी, कैसे अपना बच्चा जो है वो 1 वीक के लिए बच्ची को छोड़ दिया, ना उसकी पलट के खबर ली, ना किसी को खबर लेने के लिए बोला, और वो बच्ची की डेथ हो गई। पता नहीं बेचारी ने क्या क्या लास्ट मोमेंट पे जो है वो प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। अब ये सारी उम्र जो है जेल में रहेगी, इसने अपने भी लाइफ स्पॉइल कर दी, एक बच्ची की जान भी ले ली। तो पता नहीं लोग इस तरह से किस तरह कर लेते हैं। खैर, उसके बाद यहाँ मैंने अपने बेटे को भेजने के बाद जो है मैंने सारे बर्तन वगैरह धोए, या मैंने चूल्हा साफ़ करी थी, मैंने घर की पूरी साफ़ सफ़ाई की। और आज फ्राइडे का दिन था, तो मैंने सोचा 2 दिन अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी आ रही थी। तो यहाँ हम जा रहे थे अम्मी की तरफ, यहाँ हम ऑटो में जा रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि आप मेरे घर पर आ जाएँ, हम दोनों यहाँ से साथ चले जाते हैं, क्योंकि जो है मेरी छोटी सिस्टर की शादी यहाँ मेरे पास में हुई है, तो हम एक साथ चले जाते हैं ट्रैवल करके और एक साथ ही फिर वापस आ जाते हैं। आते आते यहाँ पे मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया, यहाँ पे ये अंकल जो हैं इनका एक्सीडेंट हो गया था बुरी तरह से, और बेचारे रोड पे इतनी बुरी तरह से गिरे कि उन्होंने अपना शोल्डर पकड़ा हुआ था, और उन्हें काफ़ी ज़ोर से जो है वो शोल्डर पे चोट लग गई होगी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से गिरे थे। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, तो हमने दोनों सिस्टर ने पहुँचे और अपनी थर्ड सिस्टर को भी वहाँ पर बुला लिया था। हम तीनों बहनें इकट्ठी हो गई थी, और इकट्ठी होकर हम लोगों ने बहुत बहुत मज़ा किया। यहाँ मामा बना रही थी बेसन का हलवा, और उन्होंने बाज़ार से कुछ बिरयानी भी मंगवा के हमारे लिए रखी हुई थी, साथ उन्होंने बेसन का हलवा बना दिया, और थोड़ी उन्होंने मिर्चें भर फ्राई कर दी थी बेसन लगा कर, क्योंकि शाम का टाइम था तो स्नैक्स टाइम था, तो ये मतलब यही सब बना दिया था। और साथ आलू की स्पेगेटी बना दी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि स्पेगेटी की मेरी बेटियां बहुत शौकीन है, स्पेशली जो सबसे छोटी बहन है वो तो इतनी दीवानी है स्पेगेटी बहुत ही ज़्यादा। साथ बना दिए थे बच्चों के लिए थोड़े फ्राइज़ और कलरफुल पापड़ बना दिए थे, और साथ चाय पी ली थी। ये सब खाने के बाद, चाय पीने के बाद, यहाँ पास में अम्मी के एरिया में एक पार्क बना हुआ है, तो हमने सोचा कि बच्चों को उस पार्क लेके चलते थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ओपन एरियाज़ में बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत मज़ा भी आता है उन्हें। ये एक छोटा सा पार्क बनाया है, लेकिन एरिया के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से जो है ये बहुत अच्छा पार्क है, और यहाँ पर बॉयज़ और जो है बड़े बच्चे हैं वो अलाउ नहीं है, इसलिए कि पार्क सेफ भी है और आप इजीली जाके बैठ सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो यहाँ बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। पार्क से वापस आने के बाद रात के टाइम यहाँ मैं अपनी सिस्टर से मेहंदी लगवा रही थी, और तकरीबन मैंने 2.5 ईयर के बाद जो है मैं अपने पाँव पर मैंने मेहंदी लगवाई है, और उसने माशाल्लाह इतने खूबसूरत मेरे पाँव पे बंच बनाए कि उसने बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी मेरे पाँव के ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि अब अपने हाथों की सीधी साइड पे मेहंदी लगवा लेती हूँ, तो जब उसने पाँव पे कंप्लीट की तो मैंने कहा आप मेरे हाथों की सीधी साइड पे ही मेहंदी लगा दें, तो मैंने अपने दोनों पाँव पर और दोनों हाथों के सामने की साइड मैंने मेहंदी लगवाई, और उस मेहंदी का कलर भी बहुत प्यारा था और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया। और ये थी फाइनल लुक मेरे पाँव की और हाथों की, और उसने माशाल्लाह जो पाँव पे मेहंदी लगाई, मुझे पाँव की मेहंदी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।